YouTube, तो आज हम रेडी हो चुके हैं। राइड हमारा आज का है सुमदो, 150-160 किलोमीटर, 6 आवर्स की दूरी पे है। कल का दिन बहुत ही इवेंटफुल था, कई दोस्त बने कल। खतरनाक काम जो कल हुआ वो है ये, तो आए हमारी पेंट भी नीचे तो फट चुकी है, तो वी आर वन पेंटलेस नाउ। कारण इसका ये कि शायद मैंने जो अपना थाई बैग था उसको टाइट कर दिया था, और जब मैं बाइक में बैठा तो वो, और मौसम आज अच्छा है, क्लियर है, कोई बादल दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, नहीं दिख रहे हैं। मेरा ये लैपटॉप है, इसके लिए मेरे पास कोई वाटर प्रूफ नहीं थी, तो इसके लिए मैंने ये वाटर प्रूफ ना, और इसके ऊपर से डबल वाटर प्रूफ लेयर। मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे एक फॉर्मल जैकेट की एक पैकिंग थी, उसी को मैं लेके आ गया। पेट्रोल बाइक में डालने का एक जेरिकेन को उलटते बाइक में बहुत ही नीचे गिर जाता है, वेस्टेज बहुत होती है। सिंपल तरीका एक कोई भी प्लास्टिक बॉटल, और फिर काम आता है आपका छोटा चाकू। और ये बन जाती है आपकी फनल, सिंपल जुगाड़। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Jai Prabhu, Jai Mata Di. सुमदो का डिस्टेंस 149 किलोमीटर्स, जो कि गूगल आंटी बता रही है, और टाइम ट्रेवल इज 4 आवर्स 44 मिनट्स, जो कि अगेन गूगल आंटी ही बता रही है। एंड टुमारो विल अगेन प्रोसीड इन आर ट्रिप टूवर्ड्स काजा। काजा के बाद वी प्लान चंद्रताल, चंद्रताल के बाद जिस्पा के लिए छलांग मारेंगे, बिकॉज अ स्मॉल स्टेप फॉर द बाइकर्स, अ जायंट लीप फॉर द बाइकिंग ब्रदरहुड। बकचोदी है, कुछ नहीं है, कुछ सेंस नहीं बनता इसका जो मैंने बोला अभी, बस मन में तो बोल दिया। गौ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। कल्पा में कुछ खास टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है, एक बहुत ही गहरी क्लिफ है, और वहाँ से किन्नर कैलाश का पूरा व्यू दिखता है। यहाँ से जो हम किन्नर कैलाश देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली द बैक साइड एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट रेंज। दिस इज कूपा। आपका जो पेट्रोल पंप है वो आपको कूपा में मिलेगा। कूपा पहुँच के अपने कूपे पेट्रोल के पूरे भरवा लें। ये रहा पेट्रोल पंप, दिस इज कूपा पेट्रोल पंप। है भाई पेट्रोल है, बस ज़्यादा नहीं आएगा, बस 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 बस। साढ़े सात लीटर तेल हमने भर लिया है गाड़ी में, और हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, और टैंकी हमारी फुल है। कंटिंजेंसी प्लानिंग ऑलवेज टू बी टेकन केयर ऑफ। कम से कम 2 दिन, मिनिमम 1 दिन एक्स्ट्रा अनप्लान होना चाहिए, सो दैट अगर आपका बीच में कहीं ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ हो जाए तो दिस इज नो रश इन द एंड। खतरनाक ऑफ रोडिंग। कर्चा पहुँचने में तकरीबन 40-50 मिनट के आसपास लगेंगे हमें। कच्चा रोड ख़त्म, थोड़ा सा कच्चा पक्का शुरू। ये लोकल HP25 देख लो स्पीड भाई की, हमसे तो ना हो पाएगा भाई ये बाइक में एटलीस्ट। बट वो एक मस्त ऊपर गाँव है, और बहुत ही खूबसूरत गाँव है, और उसके बीच में एक उनकी कुल देवी का मंदिर भी होगा शायद, वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है। जय माता दी। और यहाँ पे मवेशी, यहाँ के लोग इनको पशु मवेशी बोलते हैं, और आजकल सीजन चल रहा है भाई। They're getting wild, wild orange are wild. अगले मोड़ के बाद करछम डैम
शुरू हो जाएगा और बासपा रिवर सतलुज में सम्मिलित हो जाएगी। तो ये है 284 किलोमीटर से यहाँ से, ब्लाइंड कर्व है, ड्राइव स्लो, टेक ऑल द वार्निंग्स गिवन ऑन द रोड साइड वेरी सीरियसली, स्पेशली व्हेन यू आर इन माउंटेन्स एंड हिल्स। ओह माय गॉड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ऊंची वॉल, इट्स अ पार्ट ऑफ द डैम। तो पानी की जो टनल है पहाड़ के अंदर ही है, एक वेंट है जिसमें से पानी बाहर आ रहा है फिलहाल। बासपा पावर प्रोजेक्ट, इतनी ऊंची वॉल, और ये हमारी ग्रेट सतलुज रिवर देवभूमि किन्नौर में इस वक्त है। इतनी ऊंची दीवार तो हो, और सब कुछ बिजली प्रोडक्शन का काम इस पहाड़ के अंदर ही होता है। मस्त रोड, और इसमें तो एकदम ग्लाइड करने का मजा सा आ रहा है। आई थिंक ये डैम से पहाड़ खोद खोद के पत्थर निकाल रखे हैं, वो यहीं पे डालते हैं। थोड़ा सा चिली हो रहा है अभी, टेम्परेचर, टेल रेस टनल आउटफॉल, आता नहीं कुछ तो मतलब हो इसका। और ये देखो, ये है टनल, ओए होए कमाल, एक और टनल आ गया, मतलब पहाड़ों को अंदर से भी छेद दिया इंसान ने। इंसान तू है महान, अंदर से एक नजारा। And the river is too furious here. एक और टनल। और ये अभी कोल्ड डेजर्ट स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, पहाड़ सूख रहे हैं, वेजिटेशन कम होती जा रही है, और आगे जाके बिल्कुल बैरन हो जाएगा। शोंगथोंग ब्रिज आ चुके हैं हम, शोंगथोंग ब्रिज। सामने सस्पेंशन ब्रिज सतलुज के ऊपर बना हुआ, एकदम वो झूलता हुआ जब ये, अब यहाँ पे आई थिंक बीआरओ के रोड्स हैव स्टार्टेड टू कम अप, मुख्यालय 68 सड़क निर्माण इकाई, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो एक और जानने वाली बात यहाँ पे, बीआरओ का ही पार्ट होता है ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। बीआरओ के नीचे ग्रेफ आता है, आरसीसी आती है, ये जो ट्रक देख रहे हैं आप ये बीआरओ के ट्रक्स हैं, क्योंकि इनका कलर नीला रंग का कलर में से पीली पट्टी। ऊपर वाला रोड रिकॉन्गपियो को जाता है, नीचे हम फू की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये रोड इसलिए अच्छी है क्योंकि ये बीआरओ के हाथ में है, और इसीलिए जबकि स्मूथनेस है इस रोड में, बिकॉज बीआरओ इज द बेस्ट शूटिंग स्टोन्स। तो वो बी जेंटल ऑन माय कर्व, शूटिंग स्टोन। ब्लास्टिंग टाइम 11:30 AM टू 2:30 PM यहाँ से ब्लास्टिंग टाइम शुरू हो जाता है 11:30 से 2:30 बजे तक। तो इस रिकमेंडेड की 11:30 से 2 बजे के बीच में इसमें ट्रेवल ना किया जाए। फिलहाल टाइम 10:30 हुआ है, और ये कितना नंबर पैच है जिसमें ब्लास्टिंग होती है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, बिकॉज रोड का काम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन द रोड, एंड ऑल थैंक्स टू दीज पीपल हु जस्ट कीप दिस रोड इन सच गुड कंडीशंस। और ये है सतलुज नदी, एकदम स्टीप वैली में बहती हुई सतलुज नदी, फ्यूरियस खतरनाक रैपिड्स के साथ बहती हुई सतलुज। तो ये ऑफ एंड ऑन ऐसा चलता रहेगा, अच्छे पैच, गंदे पैच, अच्छे पैच। इस ब्रिज की एट अ टाइम सिर्फ एक ही भारी गाड़ी पास कर सकती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। और ये मस्त एक झरना यहाँ से बह रहा है,
HRTC मेरे गांव की गाड़ी ताबोर टू रामपुर 68 RCC का ब्रिज, मस्त एक ब्रिज बनाया है 68 RCC ने, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की, एंड थैंक्स टू BRO फॉर सच अ वंडरफुल ब्रिज। और रोड कंडीशन एकदम मक्खन, बोले तो मक्खन। फिर से क्रॉस करेंगे सतलुज को एक बहुत ही विशाल का ब्रिज के थ्रू। पर हम कहाँ जा रहे हैं, तो बंद है अनफॉर्चुनेटली। खतरनाक, ओ माय गॉड भाई, डर लग रहा है मुझको। मम्मी खतरनाक ब्रिज है तो, मम्मी fog is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. तो ये ब्रिज जो था पीछे, वो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट सीजन में जब आएंगे तो बन जाएगा तब तक। और ये कोई चेक पोस्ट है ये, जहाँ पे हमें गाड़ी रोक के एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक और चेक पोस्ट थी यहाँ पे, इन्होंने मेरा बस बाइक का नंबर, मेरा नाम और कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं पूछा। मतलब पता रहे कि कितने ट्रेवल्स यहाँ से जा रहे हैं, कितने ट्रेवलर्स यहाँ से, बाइकर्स, मतलब कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। चाय की दुकान तो आई थी, ब्रेक लेने का बनता है यार। चाय बना दो अच्छी सी। You're so